देश भर में लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच अब 4 जून को मतगणना का इंतजार है, जहां इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी को जीत का दावा ठोका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मतदान का आज अंतिम चरण है। जनता जनार्दन पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने का संकल्प कर चुकी है। बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजय श्री हासिल करेगी। पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर एमपी की 29 सीटें 68% वोट शेयर हासिल करेगी। इसके अंदर आम जनता जनार्दन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ ये चुनाव आज पूर्णता की ओर है और मुझे विश्वास है कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस बार विजयश्री हासिल करेगी। इस आधार पर मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन हमने जो 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही थी, मुझे विश्वास है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तब हम 58 से 68% वोट शेयर प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हम संगठन काम के लिए समीक्षा करते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 55 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अविश्वास करते हैं। इन्होंने प्रवक्ताओं को मीडिया डिबेट के लिए मना किया। एक तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस जिसने 55 वर्षों तक देश पर राज किया, और अगर मैं ये कहूं कि आप जब 55 वर्षों तक राज कर रहे थे तो अलोकतंत्र कर रहे थे क्या? हालांकि आपने लोकतंत्र की हत्या की, आपने इमरजेंसी लगाई, आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम काम करता है तो वो संविधान कानून के दायरे में करता है, और कानून से कोई हटके जाता है तो समाज उसका जवाब देता है। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना अविश्वास कि हमारे प्रवक्ता मीडिया के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, यानी इसका अर्थ है कि आपने ये आक्रमण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया कांग्रेस ने। भाई मीडिया कोई बायस दे क्या? भाई ओपिनियन है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी 100% एक्यूरेट होता है, कभी 80% होगा, कभी 50% होता है, तो इससे आपको एलर्जी क्यों है? ये केवल बहाना है कि जो हार हमारी हो रही है, जनता ने हमें नकार दिया है। वीडी शर्मा ने कहा कि हार का बहाना बनाने के लिए दिग्विजय और नकुलनाथ बहाने पहले से ही ढूंढ रहे हैं। नकुलनाथ को अधिकारियों से परेशानी है। दिग्विजय सिंह कभी ईवीएम कभी वोटिंग पर्सन का बहाना बनाते हैं। नकुलनाथ को छिंदवाड़ा की जनता ने नकार दिया है। मैं फिर मैं कहूंगा कांग्रेस ऐसी हर बातें करेगी कि जिससे कांग्रेस को हार का बहाना ढूंढना पड़े। पहले ही कलेक्टर पर आरोप लगाना शुरू कर दो। दिग्विजय सिंह पहले ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे, फिर दिग्विजय सिंह कहने लग गए कि ये जो इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज का डाटा जारी कर रहा है, ये डाटा जो है बदल क्यों रहा है? अरे भाई थोड़ा बहुत आप तो मुख्यमंत्री रहे हो, कांग्रेस इतना बड़ा दल है, आपकी सरकारें जब थी तब इलेक्शन कमीशन क्या 1 मिनट के अंदर पूरा आंकड़ा जारी कर देता था? हर चीज पर अविश्वास है, न लोकतंत्र पर विश्वास है, न संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न सुप्रीम कोर्ट पर है, न हाई कोर्ट पर है, किसी पर विश्वास नहीं है उनको। कांग्रेस आज बुरे हालात में है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वही छिंदवाड़ा में श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ के बेटे जो छिंदवाड़ा की जनता ने नकार दिया, तो अब वो कलेक्टर पर आरोप लगाने लग गए। तो ये कांग्रेस के आज दुरावस्था का दौर है, हालात
बदतर हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर में लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच अब 4 जून को मतगणना का इंतजार है। जहां इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी की जीत का दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।